फाइनली गाइस, क्या आप भी हिमेस्टर कॉम्बैट के लिए दोस्तों जो उसका कॉइन है वो यहाँ पर आप जो है EVI एक्सचेंज के अंदर लेना चाहते हैं या फिर बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर? तो दोस्तों यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज का ऑप्शन दिया गया है इसमें, अब यहाँ पर EVI एक्सचेंज का। दोस्तों इसके साथ बस कई सारे ऑप्शन यहाँ पर थे, बाइबेट का था, OKX का था, टेलीग्राम का था और उसके साथ उसमें यहाँ पर टोन ऑन का था, ठीक है। लेकिन सारे ऑप्शन को हेमेस्टर ने यहाँ से हटा दिया है, केवल दो ही यहाँ पर एक्सचेंज बचे हैं, EVI एक्सचेंज एंड बाइनेंस एक्सचेंज। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बाइनेंस के अंदर KYC अपडेट करके रखा है। अगर दोस्तों आपने बाइनेंस के अंदर KYC अपडेट नहीं कर पाई है तो आप EVI के अंदर एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है और क्रोम ब्राउजर पर आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चले जाना है सर्च बार में और यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है EVI XYZ लॉगिन, ठीक है, EVI XYZ लॉगिन। दोस्तों यह वेबसाइट है जो कि ऑफिशियल, इसको सर्च करना है और सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से वेबसाइट देखने को मिलेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो साइट के उस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर EVI XYZ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तो साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब भैया जैसे यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट बता रहा है, यहाँ पर वॉलेट को कनेक्ट करना पड़ेगा। ये केवल आपको यहाँ पर इसमें भी इसके अंदर आपको वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसमें आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इन चार में से किसी का वॉलेट आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों वॉलेट कनेक्ट करने के दोस्तों हमारे पास ऑप्शन केवल बाइनेंस का ही है, बाइनेंस का कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ना तो मेटामास्क उसमें दिया है, ना तो ट्रस्ट वॉलेट दिया है और ना तो हॉट वॉलेट। तो दोस्तों यहाँ पर घुरा फिरा के दोस्तों ये सिर्फ आपको बाइनेंस से ही एक KYC करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपने अभी तक बाइनेंस में अकाउंट नहीं बनाया है या फिर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, अंडर रिव्यू की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उस पर हमारी ऑलरेडी वीडियो है, वो आप हमारी चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों बाइनेंस के अंदर अकाउंट कैसे बनाते हैं उस पर भी हमारी वीडियोस है, वो भी आप हमारी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसके लिए दोस्तों कनेक्ट करना पड़ेगा सिर्फ बाइनेंस से, और यहाँ पर इन्होंने इसीलिए सारे ऑप्शन यहाँ से हटा दिए है क्योंकि यहाँ पर बाइबेट का भी ऑप्शन दिया था, बाइबेट के अंदर वॉलेट बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, और यहाँ पर OKX के अंदर बन जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन्होंने केवल बाइनेंस को ही रखा है, एक्सचेंज में जाते हैं KYC करने तो वॉलेट से ही, हाँ बाइनेंस से ही कनेक्ट करने को बोल रहा है। तो अगर आपको ईयर ड्रॉप लेना है जल्द से जल्द तो उस यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर बना लीजिएगा और 3 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर हमारी पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए।